एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अब हम चलते हैं रोमन रोमन क्लास रोमन के विषय में। हम जानते हैं रोमन नूडल्स। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आपने पिछले क्लास में यानी कि प्रीवियस क्लासेस में आपने रोमन के विषय में पढ़ा है, ठीक है? तो आर यू रेडी? ओके, चलिए हम चलते हैं रोमन। आर ओ एम ए एन, रोमन। रोमन नूडल्स यानी कि रोमन के कुछ सिंबल्स होते हैं। सिंबल्स जानते हो? एस वाई एम बी ओ एल एस, सिंबल। सिंबल्स एज फॉर एग्जाम्पल, सिंबल का अर्थ होता है जैसे वन का होता है आई, आप जानते हो? ओके, एक होता है भी, भी का होता है फाइव, यह होता है एक्स, इस मीन्स होता है टेन, एल एल मीन्स होता है फिफ्टी, सी मीन्स होता है हंड्रेड, डी मीन्स होता है फाइव हंड्रेड और ए मीन्स होता है वन थाउजेंड। यानी ये सिंबल हो गया वन फाइव एक्स एल सी डी एंड एम। ओके, यह हो गया सिंबल। सिंबल का अब क्या होता है? सिंबल में हम क्या करेंगे कि कुछ जो है वन वन जो होता है थ्री टाइम्स, इसको हम लिख सकते हैं। भी को वन चांस वन टाइम्स, एक्स को थ्री टाइम्स, एल एल वन टाइम्स, सी थ्री टाइम्स, डी वन टाइम्स, एम थ्री टाइम्स। इट मीन्स कहने का अर्थ यह होगा कि वन को हम थ्री लिखना हो टू अब थ्री लिखना हो तो वन टू थ्री लिखेंगे, फोर लिखना हो तो यानी कि भी से वन सब ट्रेक करेंगे तो यह हो जाएगा फोर। यह हो गया फाइव, फाइव का भी जैसे लिखेंगे हो जाएगा फाइव, भी में वन ऐड करेंगे तो हो जाएगा सिक्स और भी में वन सब करेंगे तो हो जाएगा फोर। यानी कि वन को अगर हम लेफ्ट में लिखते हैं तो सब ट्रेक होता है और राइट में लिखते हैं तो ऐड होता है। इट्स ओके, चलते हैं उसके बाद एड फिर चलते हैं। जैसे एक्स, एक्स मीन्स क्या होता है टेन, तो एक्स से वन जैसे लेफ्ट में लिखेंगे तो हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, मीन्स हो जाएगा नाइन, और एक्स राइट में लिखेंगे तो ये ऐड हो जाएगा टेन। सिर्फ ठीक उसी प्रकार आगे हम बढ़ते हैं। जैसे हमको लिखना है थर्टी, तो थर्टी लिखेंगे एक्स 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 थ्री टाइम्स, लेकिन जैसे फोर्टी लिखना है तो 40 लिखने के लिए हमको x x x x नहीं लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा या गलत हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 50 में से हम 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि 50 का होता है l, यानी सब्ट्रैक्ट करने के लेफ्ट में लिखेंगे और 10 का क्या होता है सिंबल x, तो यह हो जाता है 40। एस जैसे चलते लिखते हैं, अगर 60 लिखना हो तो क्या करेंगे l और x को राइट में डालेंगे तो हो जाएगा 60। इट्स ओके, कुछ सिंबल ऐसे हैं थ्री टाइम्स लिखते हैं, कुछ सिंबल ऐसे हैं वन टाइम्स लिखते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, कौन कौन सिंबल है जो रिपीट हो सकता है। चलिए हम फिर देखते हैं, चलिए इसको हम साफ करते हैं। रुक रुक, कुछ फैक्ट ऐसे हैं कि कुछ को केवल ऐड ही किया जाता है, सब्ट्रैक्ट नहीं किया जाता है। जैसे में आपका है वी एल डी, ओनली कैन ओनली एडिशन, यानी किसका अर्थ हुआ कि वी एल और डी को सिर्फ एडिशन के रूप में ही प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हमको लिखना है 15, तो 15 का क्या हो गया 10 प्लस 5, तो 10 प्लस 5 का अर्थ हो गया कि 10 को अगर हम करेंगे तो x हो जाएगा, प्लस भी 5 का भी होता है, इट मीन्स x भी मिलाएंगे तो हो जाएगा 15। यानी कि अगर हमको कहने का अर्थ हुआ कि भी को केवल हम ऐड कर सकते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको l, अगर l है यानी कि 150,
तो 100 यानी कि 100 प्लस 50, इसका कहने का अर्थ होगा कि 100 का C और 50 का हो गया L, यानी कि C L मिल के हो जाता है 150। दूसरा है कि दूसरा है फैक्ट वन एक्स एंड सी, एक्स वन एक्स एंड सी, यह जो होता है सिर्फ तीन बार इसको हम लिख सकते हैं। जैसे हमको लिखना है थ्री, तो इसको लिखेंगे वन वन वन, यानी कि हो गया थ्री। हमको लिखना है थर्टी, तो एक्स 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 लिखेंगे। हमको लिखना है 300, तो हम लिखेंगे सी सी सी। इट्स ओके। तो आपको अब नेक्स्ट चैप्टर, अब चैप्टर देखते हैं क्या करना है आपको। इस चैप्टर में 1.1 यानी कि 1.1 में आपको दिया हुआ है, एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। 1.1 1.1 है, इसमें कह रहा है कि राइट हिंदू अरबिक न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग, यानी कि जो रोमन में लिखा हुआ है उसको आपको रोमन नंबर में लिखना है। यानी कि आपका दिया हुआ है पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स 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 सी वन। अब इसको आपको लिखना है या नंबर में लिखना है, या रोमन में लिखा हुआ है इसको हमको नंबर में लिखना है। एक्स का वैल्यू कितना होता है बच्चों, एक्स सी है, यानी एक्स सी में से एक्स घट रहा है, इट मीन्स यह हो गया 90, और प्लस वन है प्लस वन, यानी कि इट मीन्स हो गया 91। नेक्स्ट क्वेश्चन बी, चलिए इसी तरह आपको कंप्लीट करना है। बी में जो दे रहा है, बी क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कंपेयर द फ्लोइंग एंड पुट द करेक्ट सिंबल, यानी कि जैसे आपने पढ़ा है सिंबल, यह सिंबल जिसके तरफ यह ओपन होता है यह ग्रेटर होता है, और जिसके तरफ यह मुंह बंद होता है स्मॉलर होता है, आपने पहले ही पढ़ा है। यानी कि अगर 5 और 8 है, 8 है तो यह ग्रेटर कौन होगा, इसमें आपने बताया 8, यानी कि 8 की तरफ यह मुंह जो होगा यह इसका ओपन हो जाएगा। यानी कि इसमें कहने का अभी 5 इज स्मॉलर देन 8 या 8 इज ग्रेटर देन 5। इट्स ओके। लाइक आपको इसी तरह करना है। अगर आप यह नहीं कर पा रहे हैं तो इसको आप कहते जैसे दिया हुआ है कि सी सी एक्स एल वन, फिर दिया सी सी एल आई एक्स, यानी कि पहले इसको आप नंबर में बना ले, या कितना हो जाएगा सी सी, सी सी मीन्स हो गया 200 प्लस 10 प्लस 51। यहां फिर सिंबल आपका क्या सी सी, यानी कि 200 एल 50 और ये हो गया 9, यानी दोनों को एक साथ ऐड कर देते हैं तो 200 10 51, यानी 261, और यहाँ क्या मिला आपको 200 है, उसके बाद है आपका 50 259। तो आप इसको कंपेरिजन कर सकते हैं, कंपेरिजन होगी यह होगा 261 और यह होगा 259, विच इज ग्रेटर 261। इट्स ओके। तो आप लाइक दिस आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं यह चैप्टर। और सी में आपका लास्ट में दे रहा है कि क्रॉस आउट द मीनिंगलेस एक्सप्रेशन, यानी कि जो मीनिंगलेस है उसको क्या करना है, क्रॉस कर देना है। चलिए आगे हम देखते हैं। सी में मैंने देखा यह क्वेश्चन दिया कि आई सी, हमने पहले बताया कि वन जो होता है सबट्रैक्ट कहां किस किस से होता है, वी से एल से डी से, लेकिन यहाँ आई सी यानी कोई इसका मीनिंग नहीं, मीनिंगलेस है, यानी कि इसको क्या कर देना है, क्रॉस कर देना है। बी में एज फॉर एग्जाम्पल आपका दे रहा है, सपोज कीजिए कि एल और आई, यानी कि एल और आई का मीनिंग क्या हो जाएगा, एल से 50 हो गया और वन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, यानी कि इसका मर्थ हो जाएगा 51। तो 51 मीनिंग इसका बन रहा है, 51 लिखा जाता है, यानी कि यह इसको कुछ नहीं करना है, छोड़ ही देना है, केवल जो इसमें गलत होगा मीनिंगलेस होगा उसको क्रॉस करना है। इस तरह आप 1.1 जो है आप कंप्लीट करेंगे। और 1.2 आपका है, 1.2 कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग हिंदू अरबिक में न्यूमरल्स इन रोमन न्यूमरल्स, यानी कि यह जैसे लिखा हुआ है 98 यहाँ लिखा हुआ है, तो 98 को आपको न्यूमरल्स में लिखना है। कैसे लिखेंगे तो आप जानते हैं कि पहले आप इसको पहले आप एक्सपेंडेड फॉर्म में बना लीजिए 90 प्लस 8,
तो 90 का क्या होगा, 90 का xc हो जाएगा और प्लस 8, तो आप जानते हैं भी 5 और 3 8 98 हो गया, और इसको एक साथ कर देंगे xc v ट्रिपल 8, इट्स ओके या कंप्लीट। यानी इस प्रकार आपको 1.1 और 1 पॉइंट दोनों कंप्लीट करने का करके ओके इट्स ओके।